बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। सेकेंड ईयर क्लास, ये आज हमारा सेकेंड लेक्चर है और इसमें आज हम ये पढ़ेंगे कि बैनुल अक़वामी तिजारत के फ़वाइद और नुकसानात। जैसे कि आपको पता है कि पिछले लेक्चर में हम बैनुल अक़वामी और मुल्क की तिजारत में फ़र्क पड़ चुके हैं। आज हम ये देखेंगे कि जो बैनुल अक़वामी तिजारत की जा रही होती है, इसके फ़वाइद क्या होते हैं और नुकसान क्या होते हैं। सबसे पहला जो इसका फायदा होता है वो ये होता है कि अशिया की फराहमी। कि जिस मुल्क को जिस चीज की जरूरत होती है, वो मुल्क बआसानी अपनी अशिया जो होती है वो जिस मुल्क से चाहता है, जिस मुल्क के पास वो चीज अवेलेबल होती है, वो वहां से खरीद सकता है। ठीक है, तो ये फायदा होता है कि जो कंट्री जो चीज नहीं बना रहा होता है, उसको अगर उस चीज की जरूरत होती है तो जहां से उसको वो चीज मिलती है, जिस कंट्री से बआसानी मिल जाती है, वो वहां से वो चीज परचेज कर लेता है। उसके बाद अपने जरूरियात जिंदगी की अजरा फराहमी। जरूरियात जिंदगी की फराहमी कि जो चीजें जरूरियात होती हैं जिंदगी की, वो बआसानी किसी भी मुल्क को मिल सकती हैं जहां से वो लेना चाहता है। यानी अशिया की फराहमी और जरूरत जिंदगी की फराहमी, वो वही बात होगी कि बैनुल अक़वामी तिजारत में जिस कंट्री को जिस चीज की जरूरत होती है, वो अपनी उस कंट्री से चीज जो होती है वो ले लेता है। जैसे मैंने आपको पहले बताया था कि पाकिस्तान जो होता है वो कॉटन प्रोड्यूस करने में ज्यादा अच्छा है। पाकिस्तान की जो जमीन है या एरिया है, कॉटन की प्रोडक्शन के लिए ज्यादा फिजिबल है। तो पाकिस्तान क्या करता है, कॉटन प्रोड्यूस करता है। और जैसे चाय वगैरह इस तरह की चीजें जो होती हैं, वो प्रोड्यूस करने के लिए इसकी जगह ज्यादा फिजिबल नहीं है। तो जैसे श्रीलंका बांग्लादेश जैसी कंट्रीज होती हैं, वो चीज जैसे कि चाय वगैरह पटसन इस तरह की चीजें प्रोड्यूस कर रही होती है, तो पाकिस्तान क्या करता है कि उन कंट्रीज से वो चीज परचेज कर लेता है और खुद जैसे चावल और कपास वगैरह की प्रोडक्शन कर रहा है, तो अपनी जो एक्स्ट्रा क्वांटिटी होती है, अपनी जरूरत से ज्यादा चीज होती है, उसको वो एक्सपोर्ट कर देता है। उसके बाद आ जाता है कहत से बचाव। अब अगर किसी मुल्क में कोई कहत की सूरत हाल होती है, किसी मुल्क में किसी चीज की कमी हो जाती है, तो वो मुल्क क्या करता है कि जिस मुल्क के पास वो चीज अवेलेबल होती है, वो वहां से जाकर परचेज कर लेता है। जैसे अभी रिसेंटली पाकिस्तान को क्या था कि गंदम की शॉर्टेज फेस करना पड़ रही थी, वीट की जो शॉर्टेज हो गई थी, तो उसकी वजह से पाकिस्तान ने क्या किया के वीट को इंपोर्ट कर लिया, इसलिए मुल्क के अंदर कहर पड़ने से अपनी कंट्री को बचा लिया। उसके बाद आगे आगे दिफाई जरूरियात। अब दिफाई जरूरियात क्या होती है कि किसी भी मुल्क को अपने दिफा के लिए जो भी जंगी साजो सामान और असला वगैरह होता है वो चाहिए होता है, तो उन सब चीजों को भी कोई भी मुल्क जो होता है वो खुद से सारी सारी चीजें प्रोड्यूस नहीं कर रहा होता, बल्कि बैनुल अक़वामी तिजारत का ये फायदा है कि जो मुल्क वो जल्दी सालों सामान वो चीजें प्रोड्यूस कर रहा होता है, उनसे वो चीजें इम्पोर्ट कर लेता है। उसके बाद आ गया माशी तरक्की का हुसूल। अब क्या होता है कि बैनुल अक़वामी तिजारत की वजह से जो चीज अपनी जरूरत से ज्यादा होती है, उस चीज को एक्सपोर्ट कर दिया जाता है और जिस चीज की जरूरत होती है उसको इंपोर्ट कर लिया जाता है। जब किसी चीज को एक्सपोर्ट किया जाता है, तो आपको पता है कि उससे कोई भी मुल्क जो होता है वो जरे मुबादला कमा रहा होता है, तो जरे मुबादला के जखायर किसी भी मुल्क के अंदर जितने ज्यादा होंगे, उससे उस मुल्क की माशी तरक्की में इजाफा होगा। उसके बाद आगे आगे दोस्ताना ताल्लुकात। अब जिस मुल्क के साथ कोई भी मुल्क जो होता है वो तिजारत कर रहा होता है, तो उसके साथ उसके दोस्ताना ताल्लुकात कायम हो जाते हैं। जिनके साथ उनका ज्यादा लेन देन होता है, तो उनके साथ दोस्ताना ताल्लुकात कायम हो जाते हैं। इसलिए बैनुल अक़वामी तिजारत का ये फायदा है कि मुख्तलिफ ममालिक के दरमियान आपस में दोस्ताना ताल्लुकात कायम हो जाते हैं। जैसे कि पाकिस्तान और चीन के आपस में दोस्ताना ताल्लुकात है, इसकी सबसे बड़ी वजह जो है वो सी पैक का प्रोजेक्ट है। तो इस तरह से मुख्तलिफ ममालिक जब बैनुल अक़वामी तिजारत करते हैं या आपस में तिजारत करते हैं, तो उनके आपस के ताल्लुकात होते हैं वो बढ़ जाते हैं। आगे आ गया जरूरत की इर्ज़ा फराहमी के जिन चीजों की जरूरत होती है वो बआसानी मिल जाती है। वही जरूरत जिंदगी की फराहमी, एशिया की फराहमी, जरूरत
जरूरत की जरूरियात जिंदगी की अर्जा फराहमी यानी बासानी जिस चीज की जरूरत होती है वो चीज मिल जाती है। उसके बाद तलब और रसद में हम आएंगे। अब तलब और रसद में हम आएंगे का मतलब ये होता है कि किसी मुल्क की रसद जो होती है वो जब ज्यादा हो जाती है, किसी चीज को ज्यादा मिकदार में कोई मुल्क जो होता है वो प्रोड्यूस कर लेता है तो वो उस चीज को एक्सपोर्ट कर देता है और जिस चीज की उसको तलब ज्यादा होती है वो उस चीज को इम्पोर्ट कर लेता है। इस तरह से तलब और रसद में क्या होता है कि हम मांगी हो जाती है, ये नहीं होता कि किसी चीज के अगर मुल्क के अंदर तलब बढ़ रही है तो हम उस चीज को परचेज नहीं कर सकते, या ऐसा भी नहीं होता कि अगर मुल्क के अंदर किसी चीज की रसद बढ़ गई है तो हम उस एक्स्ट्रा क्वांटिटी को क्या करेंगे, हम लेकर बैठ रहे हैं या खराब हो जाए, ऐसा भी कुछ नहीं होता। जिस चीज की अगर रसद बढ़ गई है तो उस चीज को एक्सपोर्ट कर दिया जाता है। उसके बाद आगे हमें पैदाइश पैमाइश बर पैमाना कबीर के फवाद। लार्ज स्केल के फवाद, लार्ज स्केल का मतलब होता है पैदाइश बर पैमाने कबीर, यानी कि जब किसी बड़े पैमाने पर या ज्यादा क्वांटिटी में किसी चीज को प्रोड्यूस किया जाता है तो उसके फायदे होते हैं कि उस पर, मैंने आपको पहले भी डिस्कस किया था कि जब तख्सीस कार या स्पेशलाइजेशन के उसूल पर अमल किया जा रहा होता है तो उससे क्या होती है कि कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन कम हो जाती है। जब बड़े पैमाने पर चीजों को प्रोड्यूस किया जाए तो उसके ये फायदा होता है कि चीजों की कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन कम हो जाती है। उसके बाद आगे आ गया तहजीबो सकाफत के असरा। अब जिस कंट्री के साथ कोई भी कंट्री जो होता है वो तजारत कर रहा होता है तो उसकी सकाफत और उसकी तहजीब के असरात जो होते हैं वो उस कंट्री पर नमूदार हो रहे होते हैं। जैसे अगर हमारे ज्यादातर लेन देन या हमारी तजारत अगर यूरोपियन कंट्रीज के साथ है तो आपने देखा होगा कि हम क्या करते हैं अपनी शादी ब्याह में रस्म रवाज में हर तरह से हम क्या कर रहे होते हैं, उनके ट्रेंड्स को फॉलो कर रहे होते हैं, हम उनकी रसूमात को फॉलो कर रहे होते हैं, हम चाहते हैं कि हमारी ड्रेसिंग हमारे रहन सहन हमारे ताल्लुकात जो है उस तरह के हो जैसे वेस्टर्न कंट्रीज कर रहे हैं, जैसे यूरोपियन कंट्रीज में किया जा रहा है। तो जिस मुल्क के साथ हम तजारत कर रहे होते हैं, जहाँ के लोगों के साथ हम दोस्ताना ताल्लुकात कायम कर रहे होते हैं तो उनकी तहजीब और सकाफत के हम पर असरात होते हैं। उसके बाद आगे आ जाता है उजाला तालीम का खात्मा। अब उजारादारी क्या होती है ये मैंने पहले भी एक दिन आपको क्लास में बताया था कि उजारादारी मोनोपोली होती है कि किसी चीज की प्रोडक्शन पर अगर किसी कोई एक ही फर्म होती है या सिंगल प्रोडक्शन फर्म होती है किसी चीज को प्रोड्यूस करने के लिए तो उसको हम क्या कहेंगे उजारादारी। जैसे कि पाकिस्तान के अंदर वापडा जो है उसको उजारादारी हासिल है, सिर्फ वापडा ही बिजली की या इलेक्ट्रिसिटी की प्रोडक्शन कर रहा है या इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई करने वाला एक वाहिद इदारा है। तो जब बैन अल-अक़वामी तजारत होती है तो मुख्तलिफ तरह की कंपनी मुख्तलिफ तरह की फर्म्स जो होती है वो चीजों को प्रोड्यूस करती हैं, मार्केट में आती हैं, सामने आती हैं, तो उससे क्या होता है कि उजारादारी का खात्मा हो जाता है। कोई भी फर्म जो होती है वो अपनी मर्जी से एक्स्ट्रा प्रॉफिट गेन नहीं कर सकती है। उसके बाद आगे आ जाता है जी जायद पैदावार की खपत। जायद पैदावार का मतलब है ओवर प्रोडक्शन। अब जायद पैदावार की खपत किस तरह से होती है कि अगर किसी चीज की ओवर प्रोडक्शन हो गई है मुल्क के अंदर तो उस चीज को एक्सपोर्ट कर दिया जाता है और उस चीज की जो एक्स्ट्रा क्वांटिटी होती है उसको एक्सपोर्ट करके ज्यादा ज्यादा जर मुबादला कमाया जाता है। ठीक है, उसके बाद आगे आ गए थी बैन अल-अक़वामी तजारत की। ये तो थे जी सारे फवायद कि हमें किस तरह से बासानी बैन अल-अक़वामी तजारत करने से हमें कौन कौन से फायदे हासिल हो रहे होते हैं। आगे हम चलते हैं बैन अल-अक़वामी तिजारत के नुकसान की तरफ। तो बैन अल-अक़वामी तिजारत के बहुत सारे नुकसान भी होते हैं जैसे कि दूसरे ममालिक की मोहताजी। अब जो चीज हम खुद पैदा नहीं कर सकते हैं उसके लिए हमें दूसरे ममालिक का मोहताज होना पड़ता है, उसके लिए हमें उनकी जो रिस्ट्रिक्शंस होती हैं उनकी जो पॉलिसीज होती हैं हमें उनको फॉलो करना पड़ता है। जिस तरह से वो कहते हैं जिस प्राइस पर वो हमें जो चीज देना चाहते हैं हमें उसी प्राइस पर उनकी पॉलिसीज के अकॉर्डिंग जो होती है उस चीज को परचेज करना पड़ता है। जैसे अगर पाकिस्तान, मैंने आपको भी पहले भी एग्जांपल दी कि पाकिस्तान जो है वो चाय और पटसन वगैरह खुद प्रोड्यूस नहीं करता है बल्कि इम्पोर्ट करता है, तो अगर वो मालिक चाहे कि हमने ये चीज जो है वो पाकिस्तान को सेल नहीं करनी है तो इसके लिए पाकिस्तान उनका मोहताज है। ठीक है,
तो पाकिस्तान को क्या है कि उनकी मोहताजी है कि पाकिस्तान ने उनसे वो चीज लेनी ही लेनी है, खुद से प्रोड्यूस नहीं कर सकता है। उसके बाद आगे आ जाता है जी पिसमानदा ममालिक को नुकसान। अब जो पिसमानदा ममालिक होते हैं जो तरक्की की दौड़ में बहुत ज्यादा पीछे होते हैं, उनको नुकसान होता है क्योंकि उनका जरिए जो माल खाम माल होता है वो तरक्की याफ्ता ममालिक को बरामद कर देते हैं, यानी तरक्की याफ्ता ममालिक को बेच देते हैं या एक्सपोर्ट कर देते हैं, और जिसकी कीमतें होती है वो अमूमन कम होती है। यानी जो पिसमानदा ममालिक होते हैं उनकी एक्सपोर्ट क्या होती है, खाम माल की सूरत में या रॉ मटेरियल की फॉर्म में होती है। लेकिन जो चीजें वो इम्पोर्ट कर रहे होते हैं वो क्या होती है, फिनिशिंग गुड्स होती हैं या मशीनरी होती है या इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट्स होती हैं, इस तरह की चीजें होती हैं जो कि कॉस्टली होती है। तो इससे क्या होता है कि पसमानदा ममालिक को नुकसान होता है, यानी जो चीजें वो बेच रहे होते हैं वो तो सस्ती होती है, लेकिन जो चीजें वो खरीद रहे होते हैं वो ज्यादा महंगी होती है, इसलिए उनको बहुत ज्यादा नुकसान हो रहा होता है। उसके बाद आगे आ जाता है कि तरक्की याफ्ता ममालिक पर इंहिसार। ऐसी होती हैं कि उनको बहुत सारी चीजें जो होती है वो तरक्की याफ्ता ममालिक से परचेज करनी पड़ती है, जैसे पाकिस्तान है उसको भी बहुत सारी चीजें जो होती है जैसे चाइना अमेरिका वगैरह से परचेज करनी पड़ती हैं। तो क्या होता है कि वो चाइना अमेरिका वो सारी सारी कंट्रीज जो है वो तरक्की याफ्ता है, तो पाकिस्तान की मईशत का जो इंहिसार होता है वो तरक्की याफ्ता ममालिक पर होता है। तो उसके अलावा जो हमारी एक्सपोर्ट्स हैं वो भी हम इस तरह की कंट्रीज को एक्सपोर्ट कर रहे होते हैं, तो अगर वो हमारी एक्सपोर्ट नहीं रहती हैं या हमारी पैदा पैदा चीजें नहीं रहती हैं तो हम अपनी जो जायद पैदावार है उसको कहीं भी कंज्यूम नहीं कर सकते हैं। इसलिए हमारी जो मईशत है, हमारी जो माशी तरक्की है, हमारी जो माशी खुशहाली का इंहिसार है, सारे का सारा तरक्की याफ्ता ममालिक पर है। उनके बगैर हम ना तो चीजों को कहीं परचेज कर सकते हैं कहीं से और ना ही अपनी चीजों को सेल कर सकते हैं। उसके बाद आगे आ जाता है कि गैर मुल्की मुकाबला। अब जैसे मुल्क के अंदर मुख्तलिफ फर्मों का या मुख्तलिफ इंडस्ट्रीज का आपस में मुकाबला होता है, इसी तरह से जो गैर मुल्की एक ही जैसी चीज प्रोड्यूस करने वाली कंट्रीज होती हैं उनका भी आपस में इंटरनेशनल मार्केट में जाकर मुकाबला होता है। तो उसके लिए जब हम अपनी कोई प्रोडक्ट जो है उसको इंटरनेशनल मार्केट में लेकर जाते हैं, इंटरनेशनल मार्केट में जाकर इंट्रोड्यूस करवाते हैं, तो उसके लिए हमें गैर मुल्की मुकाबला जो है उसको बहुत ज्यादा फेस करना पड़ता है, यानी गैर मुल्की मुकाबले के बगैर हम अपनी चीजों को वहां सेल नहीं कर सकते हैं। जिस तरह से बाकी कंट्रीज अपनी चीजों को सेल कर रही होती हैं, जिस तरह की जिस टाइप की उनकी प्राइसेस होती हैं, जिस टाइप की उनकी क्वालिटी होती है, जिस तरह की उनकी पैकिंग होती है, उसके हिसाब से अपनी चीजों को भी हमें वहां ले जाकर लेकर जाना पड़ता है और उनका वो जो कंपटीशन होता है उसको हमें फेस करना पड़ता है, तो ही हम जाकर मार्केट में इंटरनेशनल मार्केट में अपनी चीजों को सेल कर सकते हैं। उसके बाद आगे आ जाता है जंग और रिकाब। अब जो मुख्तलिफ कंट्रीज आपस में एक जैसी चीज प्रोड्यूस कर रही होती हैं तो उनके आपस में रिकाबत हो जाती है। रिकाबत मतलब दुश्मनी। तो जैसे अगर इधर मुल्क के अंदर भी हम देखें, अगर मुख्तलिफ फर्म्स जो होती हैं या मुख्तलिफ इंडस्ट्रीज होती हैं जो आपस में एक ही तरह की चीज प्रोड्यूस कर रही होती है, तो उनकी आपस में जैसे दुश्मनी हो जाती है, उनका आपस में कंपटीशन हो जाता है, वो एक दूसरे से आगे बढ़ना चाह रही होती है। तो इसी तरह से इंटरनेशनल मार्केट में भी जो मुख्तलिफ कंट्रीज एक ही चीज को प्रोड्यूस कर रहे होते हैं, एक ही चीज को सेल कर रहे होते हैं, एक ही चीज की एडवर्टाइजमेंट कर रहे होते हैं, एक ही चीज की पब्लिसिटी कर रहे होते हैं, तो उनकी भी आपस में रिकावत हो जाती है, उनकी आपस में दुश्मनी हो जाती है, जिसकी वजह से समटाइम ऐसा होता है कि जंगे छिड़ जाती है और फिर वो इस तरह की सिचुएशन क्रिएट हो जाती है। उसके बाद आगे आ जाता है माशी तरक्की पर असर। अब इसका एक और बड़ा नुकसान ये है कि इसका माशी तरक्की पर, हमारी माशी तरक्की पर इसका असर पड़ रहा होता है। जैसे मैंने यहाँ डिस्क्राइब किया था कि जो हमारी बैनुल अक़वामी तिजारत होती है इससे हम ज़रे मुबाद तक कमाते हैं और माशी तरक्की हासिल करते हैं, तो इसी तरह से इसका ये नुकसान भी होता है कि अगर हमारी कोई चीज जो है वो इंटरनेशनल मार्केट में सेल नहीं होती है, हम ज़रे मुबाद हासिल नहीं कर पाते हैं, हमारी जो ओवर प्रोडक्शन हो गई है उसको हम कंज्यूम नहीं कर पाते हैं, तो उसका सारे का सारा असर जो होता है वो हमारी मार्शी तरक्की पर पड़ रहा होता है। हमारी कंट्री के अंदर जो हमारे रिसोर्सेज होते हैं उन पर उसके सारे के सारे उस चीज का इफेक्ट पड़ रहा होता है। अच्छा, उसके बाद आगे आ जाता है जी मार्शी बोहरान। मार्शी बोहरान क्या था, ये 1930 में एक आर्मी इकतसादी बोहरान आया था जो कि अमेरिका से स्टार्ट हुआ था 1929 से 1930 तक था, सॉरी
1929 से 1930 तक ये था, और ये एक आलमी इक्तसादी बहरान था, और ये एक साल के लिए रहा था, यानी कि इसमें क्या हुआ था कि चीजों की प्राइसिंग जो थी वो बहुत ज्यादा कम हो गई थी। जब मैंने आपको नजरिए मिकदार सर पढ़ाया था तो तब भी मैंने इस चीज को आपको एक्सप्लेन किया था कि तब वो जो नजरिए मिकदार सर था वो फेल हो गया था, कि जर की मिकदार को बढ़ाने से जर की जो कदर थी उसमें कोई भी यानी कीमतों में इजाफा नहीं हुआ और जर की कदर में कमी वाकया नहीं हुई थी, यानी उस वक्त जो नजरिए मिकदार सर था वो फेल हो गया था। तो इससे क्या था कि चीजों की जायद पैदावार हो गई थी, ओवर प्रोडक्शन हो गई थी। जो केन्स ने कहा था, मैंने ये चीज भी आपको पहले डिस्क्राइब की थी कि केन्स ने कहा था कि सप्लाई क्रिएट्स ऑन डिमांड, हम जितनी ज्यादा सप्लाई करते चले जाएंगे तो उससे क्या होगा कि हमारी वो सारी की सारी सप्लाई जो होगी वो कंज्यूम होती चली जाएगी, जितनी हम सप्लाई करेंगे उतनी ज्यादा डिमांड होगी वो बढ़ती चली जाएगी, यानी कि ओवर प्रोडक्शन का कोई भी कॉन्सेप्ट नहीं होता। ये भी मैंने आपको पहले जो कौमी अमनी के दायरे में बहाव पढ़ाया था उसमें भी मैंने ये बातें एक्सप्लेन की थी। तो लेकिन क्या हुआ कि 1929 से 1930 में जब आर्मी इक्तसादी बहरान आया तो उसमें दायर पैदावार की खपत नहीं हो सकी थी, जो से का ला था वो भी फेल हो गया था, और लेकिन फिशर ने जो नजरिया मिकदार जर दिया था वो भी फेल हो गया था। तो उस वक्त जो आर्मी इक्तसादी बहरान आया था उसने पूरी की पूरी दुनिया को तहवाला कर दिया था, पूरी की पूरी दुनिया की जो सिस्टम था उसको डिस्टर्ब करके रख दिया था। तो ये सारे का सारा इफेक्ट जो था वो किस चीज का था, वो बैनुल अक्वामी तिजारत का था, क्योंकि डिफरेंट ममालिक जो थे वो आपस में लिंक थे, मुस्लिम ममालिक जो थे वो एक दूसरे पर इन्हिजार कर रहे थे, एक दूसरे पर डिपेंड थे, एक दूसरे पर उनकी जो मईशत थी वो एक दूसरे पर डिपेंड कर रही थी। इसकी वजह से जो इक्तसादी बहरान आया, माशी बहरान आया, जो डिप्रेशन आया, उसकी वजह से सारी सारी दुनिया जो थी वो डिस्टर्ब हुई थी। ठीक है, उसके बाद आगे जाता है कि संती तरक्की पर असर, ये भी उसी तरह से है कि जो संती तरक्की होती है वो भी इसकी वजह से बहुत ज्यादा मुतासिर होती है, या समटाइम ऐसा होता है कि जो बुलेट के अंदर की सनते होती हैं वो उन चीजों को लोग जो होते हैं वो प्रेफर नहीं कर रहे होते हैं, उन चीजों को परचेज नहीं कर रहे होते हैं, लेकिन उसके मुकाबले में जो इम्पोर्टेंट चीजें होती हैं उनको प्रेफर कर रहे होते हैं, उन चीजों को परचेज कर रहे होते हैं। तो जो बुलेट के अंदर की इंडस्ट्री होती है, सनती तरक्की होती है, उस पर इस चीज का असर पड़ रहा होता है। ठीक है, और हम यूँ कहेंगे कि उस वक्त मुल्क की जो संती तरक्की होती है उस पर उसका नेगेटिव इफेक्ट हो रहा होता है। उसके बाद आगे आ जाता है कि सियासी गुलामी। अब सियासी गुलामी किस तरह से होती है कि जिन ममालिक से हम जो चीज परचेज कर रहे होते हैं उनकी सारी सारी पॉलिसीज को, उनकी सारे सारे जो बातें होती हैं, उनकी जो रिस्ट्रिक्शंस होती हैं, उन सब चीजों को हमें फॉलो करना पड़ता है, और वो क्या करते हैं, वो आराम से अपने वहां बैठ कर और अपनी सियासत करते हैं, और हम जो होते हैं जहनी तौर पर दिमागी तौर पर हम एक मफरूज कौम बनकर और हम उनके गुलाम होकर रह जाते हैं। इस तरह से बैनुल अक्वामी तिजारत का भी नुकसान होता है, यानी क्यों इस तरह से हो रहा होता है, क्योंकि हम उनके मोहताज होते हैं, यही था ना, हम दूसरे ममालिक के मोहताज होते हैं, और खासतौर जो पसमानदा ममालिक होते हैं, पाकिस्तान लाइक कंट्रीज होते हैं, उनको इन चीजों के ज्यादा नुकसान हो रहे होते हैं। और जैसे आपके सामने ये मिसाल है कि जैसे अंग्रेज जो था वो जब हिंदुस्तान में आया था तो वो तिजारत की गर्ज से आया था, ठीक है, तिजारत करने के लिए आया था, लेकिन उसके बाद उसका इफेक्ट क्या हुआ कि वो 100 साल तक हिंदुस्तान यानी बरसगीर पाक वहीं पर पूरे 100 साल तक हुकूमत करके गया, वो अपनी तहजीब और सकाफत के असरात छोड़कर गया, वो अपने निशानात यहाँ छोड़कर गए, जो आज तक भी हमारे अंदर जो है वो चीजें नमूदार हैं, हमारे अंदर वो चीजें आज तक पाई जाती हैं। तो वो सारे सारे क्या थे, वो बैनुल अक्वामी तिजारत के नुकसान थे, कि वो सिर्फ मुल्क के अंदर या बरसगीर पाक वहीं के अंदर वो सिर्फ और सिर्फ तिजारत करने की गर्ज से दाखिल हुए, और उसके बाद यहाँ आकर उन्होंने कब्जा कर लिया, सियासी तौर पर जो मुसलमान थे, हिंदू थे, सिख थे, उनको अपना गुलाम बना लिया, और गुलामी की जिंदगी सब मुसलमानों ने, हिंदुओं ने, सबने गुलामी की जिंदगी बसर की। उसके बाद 100 साल तक उनके गुलाम रहे, और उसके बाद बड़ी मुश्किल से उनकी गुलामी से छुटकारा पाया, फिर उसके बाद मुसलमान जो थे वो हिंदुओं के गुलाम हो गए। तो ये सारी सारी हिस्ट्री जो है ये आपको ऑलरेडी पता है। तो ये सारा इफेक्ट किस चीज का था, वो बैनुल अक्वामी तिजारत का इफेक्ट था, बैनुल अक्वामी तिजारत के ये नुकसान थे जिनको बहुत लंबे टाइम पीरियड तक फेस करना पड़ा। आगे आज मुजरत अशिया की फराहमी। अब बहुत सारी चीजें ऐसी होती है कि जो हमारी सेहत के लिए अच्छी नहीं होती, लेकिन हम उनको इम्पोर्ट कर रहे होते हैं, जैसे कि सिगरेट है, ट्यून है, शराब है, इस तरह की चीजें जो होती है वो बाहर के ममालिक से समटाइम्स स्मगल होकर आ रही होती हैं, या समटाइम्स वो कुछ क्वांटिटी उनकी खुद से इंपोर्ट की जा रही होती है, तो वो चीजें जो होती हैं वो सेहत के लिए अच्छी नहीं होती, जिसकी वजह
तरह से समाज में कई तरह की बुराइयां, कई तरह की जराइम जो होते हैं वो जन्म लेते हैं, और ये सारे सारा इफेक्ट जो होता है वो इंटरनेशनल ट्रेड का होता है, ये बैन अल-अक़वामी तिजारत का होता है। ये थे जी हमारे बैन अल-अक़वामी तिजारत के फवायद और नुकसान। इसकी आपने जो असाइनमेंट करनी है वो ये है कि ये वाला जो पूरा टॉपिक है ये आपने राइट करना है, राइट मेरिट्स एंड डीमेरिट्स ऑफ इंटरनेशनल ट्रेड या बैन अल-अक़वामी तिजारत के फवायद और नुकसान लिखें। ये पूरे का पूरा क्वेश्चन जो है ये आप लोगों ने अटेम्प्ट करके भेजना है, और कोशिश किया करें कि पहले क्वेश्चन को लर्न कर लिया करें और उसके बाद उसको जुबानी अटेम्प्ट करके आप लोग भेजा करें, ताकि आपका वो टेस्ट भी हो जाए, जैसे मैं क्लास में आपसे टेस्ट लिया करती थी, ताकि आपको खुद को भी पता चल जाए कि मुझे किस हद तक ये टॉपिक जो है वो तैयार हो गया, और मुझे भी अंदाजा हो जाए कि आप लोगों को कितनी जो है वो चीजों की समझ आ रही है। ठीक है, इसके साथ ही हमारा आज का लेक्चर जो है वो एंड होता है, लेकिन सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट बात की जो हमारा नेक्स्ट लेक्चर है वो बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट है, और वो सारे के सारे जो लेक्चर्स हैं वो इन लेक्चर्स पर बेस कर रहे हैं। तो आप लोगों को जब तक इन लेक्चर्स की समझ नहीं आएगी तब तक आप वो नेक्स्ट लेक्चर्स जो है वो अंडरस्टैंड नहीं कर सकते हैं। अगर किसी बात की आपको समझ नहीं आती है, किस टॉपिक में आपको कंफ्यूजन होती है, तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके मुझसे क्वेश्चन कर सकते हैं। ठीक है, इसके साथ ही हमारा लेक्चर एंड होता है। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह।